आप अगर कैपकट सॉफ्टवेयर को बहुत ही क्विकली सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शफ़ात अहमद और मेरे चैनल के ऊपर इससे पहले कंप्लीट एक डिटेल्ड सीरीज़ मौजूद है कैपकट की, जिसमें बहुत ही आसान आसान स्टेप्स के अंदर मैंने स्लो स्लो सिखाया है कैपकट। लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो बहुत ही बिगिनर्स हैं, या उनको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए भी, या वीडियो फाइल्स भी उसमें दिखाया किस तरह डाउनलोड करनी है, कैसे एडिट करनी है, वो सब चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की हैं। बट अगर इफ़ यू आर समवन जिसको थोड़ी बहुत आइडिया है सॉफ्टवेयर्स का और बस आपने सॉफ्टवेयर या कैपकट का इंटरफेस समझना है और इसके अंदर जो जो ऑप्शन हैं उनको आप समझना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें जल्दी से सीखी जा सकती हैं, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको आपके पास एक डिटेल्ड वीडियो सीरीज़ भी है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। सो विद डैट इंट्रो डन, अपने सॉफ्टवेयर को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने इस वक्त कैपकट का इंटरफेस मौजूद है और ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है। आप इसके कैपकट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, अगेन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, मैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी आपने कोई एडिशनल फाइल्स क्रैक वगैरह नहीं डाउनलोड करना। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, ये एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही क्विकली आपकी वीडियोज़ को एडिट कर सकता है बहुत आसानी के साथ, और बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट्स हैं जो वक्त के साथ साथ इसमें ऐड होते जा रहे हैं, तो एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है अगर आप क्विकली अपनी वीडियोज़ को एडिट करना चाहते हैं। तो अब वो तमाम चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा इसके अंदर कि वीडियोज़ एडिट कैसे होती हैं, फाइनल आउटपुट कैसे रेंडर होता है, टेक्स्ट क्या है, एनिमेशन क्या है, और कौन कौन सा ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने ट्यूटोरियल को हम। ये हमारे पास कैपकट सॉफ्टवेयर है। अगेन मैंने बताया इसको डाउनलोड करना तो बहुत सिंपल है, कैपकट आप गूगल पे लिखें कैपकट डाउनलोड, वो चेंज होती रहेगी वेबसाइट वर्क के साथ साथ, लेकिन अभी तक बिल्कुल फ्री है। तो वहाँ से आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, इसके अलावा कोई स्टेप नहीं है और आपके पास ये आइकन आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करते हैं हमारे पास तो ये स्क्रीन आएगी आपके पास। ये कौन सी स्क्रीन है, यहाँ से आप अपना बताएंगे कि प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद वो आपकी एक्चुअल स्क्रीन आएगी जहाँ पे हमने सारी अपनी एडिटिंग करनी है। तो यहाँ पे आपने ये इतना बड़ा बटन आ रहा है सेंटर में न्यू प्रोजेक्ट का, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। बाकी जो आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे जिससे पीछे आपने वीडियो बनाई है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ न्यू प्रोजेक्ट पे। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास ये आ गया मेरे पास कैपकट का कम्प्लीट इंटरफेस। अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो लेफ्ट पे ये विंडो है, यहाँ पे हम अपनी वो फाइल्स लेकर आएंगे जिनको हमने कंबाइन करना है या एडिट करना है, या जो भी लोगो वगैरह तमाम फाइल्स आपकी ऑडियो म्यूज़िक सब यहाँ पे आएंगी मीडिया के अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारे टैब्स हैं ऑडियो, तो ऑडियो में हमारे पास जो है डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक लाइब्रेरी के अंदर जो म्यूज़िक वगैरह है वो तमाम साउंड इफ़ेक्ट्स वो चीज़ें हैं पहले से यहाँ। फिर हमारे पास टेक्स्ट है जहाँ से हम टेक्स्ट वगैरह ऐड करेंगे अपना, स्टिकर्स हैं हमारे पास कुछ, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर दी हुई ऑलरेडी, इस पर एनिमेटेड भी होती हैं चीज़ें। फिर हमारे पास इफेक्ट्स ट्रांजिशंस हैं जो वीडियो के जो ट्रांजिशन रहेंगे, फिल्टर्स हैं और एडजस्टमेंट है यानी कि जो कलर ग्रेडिंग वगैरह वो तमाम ऑप्शन है। तो ये हमारी पहली विंडो। सेंटर में जो विंडो है यहाँ पर हमारे पास प्रीव्यू आएगा कि जो हमारी वीडियो एडिट हो रही है वो कैसी दिख रही है वो यहाँ आएगा। राइट पे कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी उसकी और बहुत सारी काम की चीज़ें भी आएंगी। प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें टेक्स्ट होता है तो उसका साइज, उसका स्टाइल, वो सब चीज़ें भी यहाँ से चेंज होंगी। और नीचे हमारी है टाइमलाइन। सो अगर आप इससे पहले किसी और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे काम किया तो टाइमलाइन का आपको आइडिया होगा कि वो एक्चुअल आपकी वीडियो है कि जिसके अंदर हम ब्लॉक्स आएंगे, पहले ये वीडियो आएगी फिर सेकेंड फिर थर्ड और ऊपर इसके ये आएगा, नीचे इसकी म्यूज़िक आएगी, वो तमाम चीज़ें हम टाइमलाइन में सेट करते हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था। अब काम को शुरू करते हैं। बड़ा सिंपल है कि फॉर एग्जांपल ये वीडियोस हैं मेरे पास कंप्यूटर में, इनको मैंने एडिट करना है। एक म्यूज़िक है ठीक है, और हमारे पास समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम इस नाम से चार वीडियोज़ हैं। तो मैं सबको सेलेक्ट करूँगा, ऐसे ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा, या इम्पोर्ट के बटन पर क्लिक करके भी आप अपने विंडोज़ में सेलेक्ट कर सकते हैं, आ जाएंगी। सब इनको यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि इस तरह देखनी है मुझे ठीक है ना, या मुझे ग्रिड की फॉर्म में देखनी है, नॉर्मली ग्रिड ही रखते हैं लोग। इसके अलावा हमारे पास सॉर्ट हम इनको कर सकते हैं जैसे नेम, तो नेम के हिसाब से सॉर्ट हो जाएंगी, या हम इनको जो टाइम इम्पोर्टेड जो हमारा नॉर्मल रहता है कि जो चीज़ हम बाद में इम्पोर्ट करते जाएंगे वो उसके आगे से आगे आती जाएगी। तो ये हमारे पास एसेट्स आ गए जिनको हमने एडिट करना है बड़े सिंपल तरीके से स्टार्ट करनी है वीडियो। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मुझे वेदर्स लगाने हैं, पहले विंटर, फिर ऑटम, फिर समर और फिर स्प्रिंग। फॉर एग्जांपल मैं इस ऑर्डर में लगाता हूँ, तो मैं यहाँ से विंटर को लूँगा और यहाँ ला कर ड्रॉप कर दूँगा जस्ट लाइक दैट। अब मेरे पास विंटर का ब्लॉक आ गया है तकरीबन 16 सेकेंड तक। 16 सेकेंड को मैं यहाँ से कम करके कर देता हूँ लेट सपोज 5 सेकेंड। तो अब 5 सेकेंड तक जो है ना विंटर वाली क्लिप आएगी। इस क्लिप के अंदर हम देख सकते हैं प्रीव्यू में ऊपर नीचे ब्लैक एरिया आ रहा है कि छोटी है वीडियो, तो इसका यहाँ से आप राइट से ठीक है, यहाँ से आप राइट से इसका स्केल थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। बस यही था। अब हमारे पास 5 सेकंड तक ये क्लिप आ गई। नाउ सिमिलरली मैं इस पर समर, चलो पहले लगाए थे समर,
ये मैंने लगा दी और इसको मैंने यहाँ से 10 सेकंड तक प्रेस कर दिया। जैसे हम देख सकते हैं ये फुल स्क्रीन पे है और समर आ रहा है हमारे पास। नाउ द प्रॉब्लम इस कि अगर मैं इसको दूर करता हूँ ये फिर जाके चिपक जाएगा। तो ये कैपकट में कुछ लोगों के पास इनिशियल इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए होते हैं मेरी तस्वीर के ऊपर। ये है टर्न ऑफ मेन ट्रैक मैग्नेट, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारा ऑप्शन है, टाइमलाइन को जो है ना वो ऑटोमेटिक सेट कर रहे होते हैं। तो इसके कंप्लीट बिगिनर, तो ताकि आपकी वीडियो के बीच में ब्लैक गैप ना आए, कोई भी एडिट होती जाए, ये उससे काम आते हैं। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा आपने इसको हटा के यूज़ करना सीखना है। तो मैं अगर इसको हटा दूँगा, नाउ आई कैन मूव माय क्लिप। तो पहले हमारे पास 0 से लेके 5 सेकंड तक जैसे हम देख सकते हैं ये आ रहा है विंटर, फिर ये पूरा एरिया ब्लैक है, फिर हमारे पास तकरीबन 13 सेकंड के बाद समर आ रहा है। अब मैं बीच में इसके लगा देता हूँ ऑटम, तो ये मैंने ला के लगा दिया ऑटम, और ऑटम ऑलरेडी 5 सेकंड पे आके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने समर जोड़ दिया ऐसे करके, और अब उसके बाद मैं आखिरी स्प्रिंग लगा देता हूँ, और इसको मैं 5 सेकंड कर देता हूँ पूरे 20 पे ला के एंड अंदाजा। अब इस तरह से हमने अपनी चारों क्लिप्स जोड़ ली। हम देखते हैं, ज़रा एक दफ़ा देखते हैं कि हमारे पास पहले आ रहा है इस तरह से विंटर, और फिर हमारे पास ऑटम 5 सेकंड के लिए। देखते इसके बीच में आई गेस गैप है थोड़ा सा, देखो ये बीच में ब्लैक कलर की वो आई थी, ये मैग्नेट की वजह से नहीं होता। अच्छा, फिर आ गया समर और फिर आ गया स्प्रिंग, ठीक है। उस गैप को ख़त्म करने के लिए मैं कर दूंगा टर्न ऑन ऑटो स्नैपिंग। इससे क्या होगा कि जो मेरी चीज़ें हैं ना वो ऑटोमेटिक क्या होंगी, देखो इसके साथ आके स्नैप हो गई, स्नैप हो गया यानी मैग्नेट की तरह चिपक गई। तो बजाय कि मैं मेन मैग्नेट ऑन करने के, मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास हम टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ से, या हम ये बटन सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो पूरी टाइमलाइन में हमें यहाँ पर इस तरह शो हो गई, डिवाइड हो गई, पूरी स्प्रेड हो गई। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन था। तो बस ये हमने अपनी चारों क्लिप्स को कम्बाइन कर दिया है। अब आते हैं अगली चीज़ के ऊपर, ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस कैसे रहेंगी हमारे पास, यहाँ ऊपर मौजूद है ट्रांजिशंस का टैब, ठीक है। इसमें डिफरेंट तरह की ट्रांजिशन है जो कि बहुत इजी और बहुत ज़बरदस्त ट्रांजिशन है कैपकट के अंदर। तो मैं फॉर एग्जांपल पहले सबसे सिंपल जो आपने रखनी है अगर अपनी वीडियो को सिंपल रखना है, मिक्स, ये मैं लेता हूँ यहाँ लाकर ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, सो नाउ लुक एट दिस, ये फेड होके आ रही है पहली वीडियो दूसरी वीडियो। अब इस पर हम कुछ अच्छी सी ला देते हैं ब्लैक स्मोक। अब देखते हैं ज़रा, हम इसको देखते हैं। इस तरह की ट्रांजिशन आपको कैपकट में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। प्ले करते हैं, अब देखो आप, ये देखो इस तरह से ब्लैक स्मोक चले गया। अच्छा, बहुत क्विकली चले गया, तो ट्रांजिशन की हम ड्यूरेशन को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। नाउ अब देखते हैं, सो इट लुक्स ऑसम, बट ये थीम से मैच नहीं कर रहा। अपने हर जगह ज़बरदस्ती ही लगानी है ट्रांजिशन, देख के लगानी है सोबर तरह की ट्रांजिशन। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँगा तो डिलीट हो जाएगी ट्रांजिशन। अच्छा, फिर आते हैं फॉर एग्जाम्पल इनहेल, इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। ये देखो इस तरह से इनहेल होकर गई, इस तरह की आप देखे होंगे अक्सर वीडियोज में। आखिर में देखते हैं शेक, तो ये इस तरह से आ गई। अब ये हमारे पास थी ट्रांजिशंस। अच्छा, अब इसमें हमने कैटेगरी भी बनी हुई बहुत सारी, ये सारी अभी तो मैंने खाली एक कैटेगरी के अंदर था जो कि थी मेन, ठीक है ना। अब इसके अंदर नीचे आएंगे तो ये सारी हमारे पास ट्रांजिशन है। तो दिस इज़, चलो एक दफ़ा देखते हैं हम, ये देखते हैं एक दफ़ा लगा के, लुक एट दिस। अच्छा, बहुत क्विक आ गई, तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ड्यूरेशन को यहाँ से। अब देखते हैं, सो डेट्स इट फॉर ट्रांजिशन। अब आगे देखते हैं कि हमने वीडियो के बीच में ट्रांजिशन से लगा ली, और इस वाली को मैं वापस सिंपल वाली लगा देता हूँ, कोई सी वाइट स्मोक लगा देता हूँ मैं। चलो जी, अब आते हैं अगली चीज़, एनिमेशन। ट्रांजिशन अलग थी, एनिमेशन अलग है। जब मैं किसी वीडियो पर क्लिक करूँगा तो यहाँ भी जितने सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, चार ये टैब्स हैं, ये चारों टैब्स वीडियो के अंदर हैं, फिर ऑडियो के अंदर 2 टैब्स हैं, स्पीड के अंदर 2 टैब्स हैं, एनिमेशन हमारे पास मौजूद है, एडजस्टमेंट्स के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद है, ये सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। इसलिए मतलब अच्छा खासा डिटेल्ड सॉफ्टवेयर है कैपकट अप। बट जो मेन चीज़ है, सबसे पहले वीडियो बेसिक में वो ये कि हम इसका स्केल कम ज़्यादा कर सकते हैं, वीडियो को उसके हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। हम वीडियो को ये कर सकते हैं कि राइट लेफ्ट या मिडिल में अलाइन हो जाए, तो सेंटर में अलाइन कर सकते हैं वीडियो को क्विकली। फिर हम इसको, इसके अंदर बहुत सारे और ऑप्शन है जो उसके अंदर एक तरीके से फीचर्स है कि आपने उसको स्टेबलाइज़ करना है, कैमरा हिल रहा है तो वो स्टेबलाइज़ हो जाएगा। नॉइज़ रिडक्शन कर सकते हैं हम, अगर वो जो ग्रेन नॉइज़ आ रही होती है, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिर कटआउट, यानी कि मैं इसके अंदर से कट कर सकता हूँ कोई पार्ट, ये हम आगे देखेंगे या फर्दर ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगे, है कि ना। मास्किंग भी वही है कि आप वीडियो में से कोई खास पार्ट कट करना चाहते हैं, अब इस तरह के ऑप्शन है यहाँ, ठीक है। ऑडियो हम इसकी वॉल्यूम ज़्यादा कम कर सकते हैं, म्यूज़िक के अंदर इसके ऊपर आएंगे हम। फेड इन फेड आउट, यानी ऑडियो फेड इन फेड आउट हो, इसको हम ऑडियो या म्यूज़िक पे आएंगे, अभी तो यहाँ पे ऑडियो है ही नहीं। स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो हमारी तेज चलेगी वीडियो, स्लो चलेगी, ये यहाँ से हो जाएगा। एनिमेशन, इसका मतलब क्या है कि वीडियो इन कैसे हो और आउट कैसे हो, ये भी एक ऑप्शन है, ट्रांजिशन की तरह का है, लेकिन इसको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट इंगेजिंग वीडियोस, ब्यूटीफुल इफेक्ट्स और व्हाट्सएवर। और इसके अलावा टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, या
किसी PNG इमेज के अंदर यूज़ होती हैं। तब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये अब देखो आप, आपकी वीडियो इन इस तरह होगी, ये इन एनिमेशन है सारी, ये देखते हैं अब हम, ये लगाते हैं, ये देखो आप, ठीक है ना, ये देखो आप, तो ये अच्छी लग रही है, रॉ ठीक है ना, ज़्यादातर यूज़ की जाती है इस तरह से। आउट, अब आउट में ऑलरेडी हमने ट्रांजिशन लगाई भी है। फिर एक होती है कॉम्बो, तो कॉम्बो में क्या हो सकता है कि आपकी ट्रांजिशन आएगी भी, रहेगी भी और जाएगी भी, मतलब पूरी एनिमेशन। तो अब उसको करने के लिए ना इस वीडियो पर अच्छी रहेगी, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक टेक्स्ट लगा के। अब टेक्स्ट लगा लेते हैं, तो टेक्स्ट के अंदर आएंगे मैं और यहाँ से मैं टेक्स्ट ले सकता हूँ तो आ जाएगा। अदरवाइज हमारे पास यहाँ से बहुत सारे डिफरेंट टेक्स्ट टेम्पलेट्स मौजूद है इस तरह की। देखो आप, ये आ रही है, ये आ रही है, यहाँ पे लेफ्ट पे आपके सामने नज़र आ रही होंगी, ठीक है, ये आ रही है। तो अब ये टेक्स्ट टेम्पलेट्स हैं, हम कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं एक टेम्पलेट यूज़ करके दिखाता हूँ, इसके अंदर सब कुछ पहले से लगा हुआ होगा, एनिमेशन, कलर्स, बैकग्राउंड सब पहले से होगा। ये लेते हैं, अच्छा ये डाउनलोड हो रही है, डेट मीन्स ये कंप्यूटर में मौजूद नहीं होती हैं सारी चीज़ें, आपके पास नेट पे ही हैं, इनके कैपकट के सर्वर पे जो आप यूज़ करते हैं वो आपके कंप्यूटर में आ जाती है। अब देखते हैं, ये देखो आप, ठीक है, ये आ गए। अब जाहिर है ये इस थीम से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, तो हमने देखना होता है कि कौन सी हमें कहाँ पर लगा रही है। ज़बरदस्ती नहीं है कि कोई सी बहुत अच्छी लग रही है आपको तो आपने लगा देनी है, बिकॉज मैं आपको वीडियो एडिटिंग के साथ साथ उसके फंडामेंटल्स भी सिखाना चाह रहा हूँ इसमें। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमने एडिटिंग करनी है वो यहाँ होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास वन, ठीक है ना, और कैपकट कोर्स। तो ये मेरे पास देखो इस तरह का एक इंट्रो सा बन गया, कैपकट कोर्स क्लास वन, इस तरह हम लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, कोई साथी सी हमारे पास अगर मौजूद है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये हमारे पास, और अगर नहीं भी कोई मसला नहीं, इनको आपको स्क्रैच से टेक्स्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं। ऐड टेक्स्ट में आएंगे हम, और डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट यहाँ से ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको अभी मैं आपको सब करके दिखाऊंगा, इसको विंटर सेंटर में आ जाएगा विंटर। अब इसकी हम यहाँ से बहुत सारे कुछ प्री डिफाइंड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे मैं ये ले सकता हूँ, ठीक है ना, और इसके जो हमारे पास ये थी जिसका वाइट कलर का बैकग्राउंड है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, या इसकी मैं राउंडनेस बढ़ा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा राउंड हो गया रेक्टेंगल, थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देते हैं इसकी, अच्छा लगेगा। और जो इसका टेक्स्ट का कलर है ना, वो ब्लैक की जगह मैं यहाँ से ग्रे कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये देखो अब आपके पास सेंटर में विंटर लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसमें कोई एनिमेशन नहीं होगी। इसको मैं पूरा प्लेस कर देता हूँ अपने विंटर के, तो ये दो लेयर्स हो गई, नीचे विंटर था, उसके ऊपर विंटर का टेक्स्ट आ रहा है। अभी देखते हैं हम, देखो बस सेंटर में लिखा हुआ आ रहा है, कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा। इसके अंदर भी एनिमेशन लगाते हैं, तो एनिमेशन लगाने के लिए हम आ रहेंगे एनिमेशन के अंदर यहाँ से, और लूप यानी कॉम्बिनेशन यानी लूप पूरे के किस तरह आए और किस तरह रहे और किस तरह जाए। तो इसमें हम देखते हैं, ये देखो आप ज़रा, इस तरह से आ जाएगी या इस तरह से आ जाएगी, ठीक है ना, और देखते हैं ज़रा। अच्छा, इस तकरीबन सारी ही काफ़ी क्रिंज लग रही है, तो इसको मैं नन कर दूंगा, ठीक है ना। अब मैं इनकी एनिमेशन थोड़ी चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखो आप, ठीक है, तो ये टाइपराइटर की तरह दिखा हुआ आ रहा है, और आउट की एनिमेशन भी थोड़ी सी दिखते हैं इस तरह से मिट जाएगा। चलो देखो, अब इन में ये इस तरह से दिखा हुआ आएगा और आउट में ये मिट जाएगा। अब इसको मैं यहाँ से छोटा करता हूँ ताकि शुरू से ना आए, बल्कि यहाँ से आए, और यहाँ से भी इसका साइज़ मैं छोटा करके यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, जस्ट लाइक दिस। सो ये मेरे पास अब टेक्स्ट लग गया, आपके सामने पूरा टेक्स्ट मैंने क्रिएट करके दिखाया। अब यही टेक्स्ट मैं बाकी सब में लगा के दिखाता हूँ, तो अल्ट का बटन कीबोर्ड में, ठीक है ना, वो प्रेस करके रखेंगे और यहाँ लाकर ड्रॉप कर देंगे तो डुप्लीकेट हो गया। अब इसको हम कर देंगे समर, और यहाँ मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करके इसका कर दूँगा स्टार्ट ऑफ येलो, यहाँ से वाइट। तो ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज यहाँ आती हैं। अच्छा, फिर थर्ड हमारे पास आ जाएगा, सॉरी वो ऑटम था, तो इसको अब समर को मैंने समर की जगह रख दिया, ऑटम यहाँ से मैं चेंज कर दूँगा DUTUMN, होपफुल स्पेलिंग सही हो। और ऑटम की बैकग्राउंड कलर को हम थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कर देंगे, थोड़ा सा ऑरेंजिश, ओके, ठीक है, समर आ जाता है हमारे पास। फिर हम आ जाएंगे स्प्रिंग, तो यहाँ थोड़ा सा ग्रीन बैकग्राउंड के साथ, और इसको मैं कर दूंगा स्प्रिंग। अब समझ आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा आप चाहो तो इस समझ जैसे कब आएगा एक्चुअली, जब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको ओपन करके साथ साथ आप इसको परफॉर्म करेंगे, मतलब जो मैं कर रहा हूँ पॉज कर करके परफॉर्म करेंगे, तो इतना आसान तरीके से मैं करवा रहा हूँ आपको, 100% समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ से मैंने इसको कर देता हूँ ग्रीन, थोड़ा सा लाइट, ठीक है भाई। अब ये हमारी एक पूरा कट तो रेडी हो गया, विद ट्रांजिशन विद एवरीथिंग, विंटर आ रहा है हमारे पास, देन ऑटम आ रहा है, और ये जो ट्रांजिशन थी टाइपराइटर वाली सब पे लग गई, क्योंकि मैंने एक ही को डुप्लीकेट किया था।
ये आपने नोट करना है। अब आते हैं म्यूजिक पे, तो ये मेरी सैंपल म्यूजिक जो म्यूजिक फाइल है वो मेरी आई गेस यस आपको सुनाई देगी म्यूजिक यहाँ से रिकॉर्डिंग में, और मैं म्यूजिक को यहाँ ला के मैंने प्लेस कर दिया। अब देखते हैं जरा और क्या आ रही होगी म्यूजिक, थोड़ी हल्की कर देता हूँ मैं। आ रहा आवाज़ ठीक है, तो इसके साथ साथ बैकग्राउंड पे म्यूजिक भी आने लगी। अब इस म्यूजिक को अगर देखें हम तो अपने ट्रांजिशन अपने टाइमलाइन को जूम आउट करें तो म्यूजिक देखो इतनी दूर तक जा रही है टाइमलाइन में, पहली चीज़ तो ये आएगी। तो इसको मुझे ख़त्म करना है, जहाँ मेरी वीडियो ख़त्म हो रही है वहीं म्यूजिक भी ख़त्म हो। जूम इन करेंगे और मैं यहाँ लेकर आऊँगा इसके साथ जहाँ पर ख़त्म हो रही है, और अब कुछ चीज़ें हैं हमारे पास। या तो मैं कुछ टूल यूज़ कर सकता हूँ, शॉर्ट कीज़ हैं, ए इज़ द शॉर्ट की फॉर एरो टूल जिसकी मदद से मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है। बी इज़ द शॉर्ट की फॉर, बड़े सिंपल शॉर्ट की रखी है जिसने भी रखी है इसकी, बी इज़ द शॉर्ट की फॉर ब्लेड। तो बी से क्या होता है कि मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट किया और मैं इसको कट कर सकता हूँ, अभी आएगा पीस ब्लेड से कट हो गया। आई यूज़ दिस टूल, इसके अलावा भी कंट्रोल जेड करेंगे तो अनडू हो गया। मैं यहाँ से इस तरह भी स्प्लिट कर सकता हूँ, सो अभी इससे भी स्प्लिट हो गई ये वीडियो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डिलीट कर दी, अब ये म्यूज़िक यहीं पर ख़त्म हो गया। नाउ अब ये बहुत एब्रप्टली ख़त्म हो रही है म्यूज़िक, तो उसके दो तरीके होते हैं। प्रॉपर तरीका तो ये होता है कि जहाँ म्यूज़िक एंड हो रही है स्टार्ट हो रही है उनको ला के बीच में कहीं जोड़ा जाता है, लेकिन अभी मैं क्विकली आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से हम वहाँ पर देखो बेसिक के अंदर ऑडियो में फेड इन फेड आउट आ रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा है, तो फेड इन और फेड आउट मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। तो देखो अब शुरू में और आखिर में ये ऑडियो के अंदर एक ट्रांजिशन आ गई ऑटोमेटिक, बड़ा सिंपल। नेक्स्ट इसकी आवाज़ थोड़ी कम करनी है, तो आवाज़ कम करने के लिए वॉल्यूम को हम हमेशा बैकग्राउंड म्यूज़िक होती है अगर ऊपर ऑडियो भी आ रही होती है यानी कुछ बात हो रही होती है तो उसको हम -20 -15 से भी नीचे लेके जाते हैं, बट अभी थोड़ी सी हमने आवाज़ तो नहीं है कोई, तो अब देखते हैं। ये हमारी कंप्लीट वीडियो बन गई है, अब देखते हैं अगर उसको पूरा। ठीक है, अच्छा स्प्रिंग का जो आखिरी वाला है इसकी मैंने एनिमेशन को लगाई ख़त्म होते हुए, तो यहाँ से भी एनिमेशन में आएंगे अगेन, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, आउट में आएंगे और फेड आउट लगा दूंगा। तो देखो आखिर में फेड आउट हो रही है, दैट्स इट, ये सीक्वेंस ऑलमोस्ट बन गया है एक, जिसमें हमने कुछ क्लिप्स को कंबाइन किया, उस पर टेक्स्ट लगाया, उस पर म्यूज़िक लगाई, उसके अंदर हमने टेक्स्ट के अंदर भी एनिमेशन लगाई, ट्रांजिशंस लगाई और अब रेडी हो गई है। कैपकट के मैं आपको कुछ फीचर जाते जाते और बता के जाता हूँ, ठीक है। विद इन द मूवमेंट हम देखते हैं क्विकली, हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि इन सारे टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूं और यहां से हमारे पास एक ऑप्शन है ऊपर टेक्स्ट टू स्पीच, इससे क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट है उसकी ऑडियो भी ऐड कर देगा, तो दी एआई ऑडियो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर कर देगा। तो मैं यहां पे ले लेता हूं फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन और स्टार्ट रीडिंग कर देता हूं, तो ये अप्लाई कर दी इसने, डेट सेट, देखो नीचे कुछ ब्लॉक्स आ गए, ये साथ साथ उसने ऑडियो ऐड कर दी विंटर के साथ साथ, ये विंटर भी बोलेगा। तो अब देखते हैं ज़रा विंटर Autumn. ठीक है, तो साथ साथ म्यूजिक के साथ ऑडियो भी आ गई, ये भी बना दिया हमने। अब एक चीज़ लास्ट और चीज़ पर, इसका पक्की लास्ट चीज़ है, इसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट ही करेंगे, वो हमारे पास है इफेक्ट्स टॉप पे, ये भी देखना ज़रूरी है, कंप्लीट बेसिक ट्यूटोरियल के अंदर ये भी शामिल होने चाहिए। यहाँ से हम डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं जो कि अभी नीड नहीं है लेकिन हम लगाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं ये लगाता हूँ, देखो अभी ये ऑटम किस तरह का है दरख्त, और अब देखना क्या हो जाएगा, और इस तरह का इफेक्ट देखा आपने अक्सर वीडियोज़ के अंदर, वो यहाँ से डायरेक्ट लग जाएगा। फिर मैं यहाँ से देखते हैं ये लगाता हूँ पहले विंटर पे, आप देखो विंटर में कौन सा इफेक्ट लग जाएगा, विंटर देखो, ठीक है। अच्छा ये यहाँ नीड नहीं है, हमने सिंपल सी वीडियो बनानी थी, ठीक है, कंट्रोल जेड और कंट्रोल जेड कर देंगे दोनों इफेक्ट हट गए। अब यहाँ देखो आप बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, तो मैं चाह रहा था एक बारिश का या कोई लाइटनिंग का इफेक्ट होता है यहाँ पे, ये रहा, ये मैं लगा देता हूँ, कहाँ लगना चाहिए, इधर लगना तो किसी भी नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन मैं लगा देता हूँ उसको, चलो विंटर में लगा देता हूँ। आप देखते हैं ज़रा, ये देखो आप विंटर, ठीक है, इस तरह का इफेक्ट लगा देते हो, तो ये इसके अंदर इफेक्ट भी शामिल हैं। तो इनमें से कुछ इफेक्ट कभी कभार यूज़ कर लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये मौजूद है प्ले पेंडुलम, इसको देखते हैं, तो ये वीडियो के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट ऐड हो गई है इसके थ्रू। और देखते हैं हमारे पास कैमरा शेक मौजूद है, उस पर कैमरा शेक मौजूद रहेगा इंटेंसिटी अगर आपने ऐड करना है, और हमारे पास ये मौजूद है, ये देखो आप, तो ये सारे कैपकट के बिल्ट इन इफेक्ट से। और अब आते हैं कि वीडियो को एक्चुअली एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, ये वीडियो सिर्फ अभी प्रीव्यू है, ये एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, ये टॉप राइट पे एक्सपोर्ट का बटन है, ये प्रेस किया,
कि आपके पास वीडियो विंडो आ गई, यहाँ पर सारी सेटिंग्स आ रही हैं, काम की चीज़ें क्या है जो आपने वीडियो का नाम रखना है और कहाँ एक्सपोर्ट करनी है ये पूछ रहा है ये आपसे। तो यहाँ पे जो फोल्डर का बटन है ये क्लिक करेंगे तो अब आप खोल सकते हैं कि वीडियो कहाँ पे एक्सपोर्ट होगी। मैं इसको अपने जहाँ मुझे फोल्डर में एक्सपोर्ट करनी है यहाँ पर मैं ले आया वीडियो एडिटिंग यूट्यूब फाइल्स के अंदर सेलेक्ट फोल्डर कर दिया और इस वीडियो का नाम मैं चल दूँगा क्लास वन। तो जहाँ आपने सेव करनी है वहाँ पर आपने सेलेक्ट करके उसका टाइटल रख देना है। बाकी आपके पास ये पूछ रहा है कि इसकी रेजोल्यूशन क्या हो, तो 1080 नॉर्मली रखी जाती है रेजोल्यूशन, वो आपने रख लेनी है। बिट रेट यानी कि क्वालिटी थोड़ी सी साइज़ बड़ा हो जाएगा क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, ये आपकी मर्ज़ी है जो रखना चाहें आप। और ज़्यादातर आप नहीं चढ़ना है इनिशियल लेवल पे इनको, और एक्सपोर्ट का बटन प्रेस कर देंगे। चाहे रेंडरिंग भी काफ़ी क्विक होती है इसमें, तो अब देखते हैं कि हमारी जो वीडियो बनेगी वो बन गई है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ही इसका टिकटॉक वर्जन यानी रील वर्जन भी खुद ही बना देता है सॉफ्टवेयर, और क्या चाहिए। बट एनी वेज जो हमारी वीडियो थी वो यहाँ आ गई है, तो अब इसका हम देखते हैं कहाँ शेयर की थी हमने, ये रही। देखो क्लास वन के नाम से एक फोल्डर बन गया, ये ऑटोमेटिक बना है इस फोल्डर के अंदर, और ये वीडियो है इसका रील वर्जन ये आ गया, और ठीक है ऑटोमेटिक इसने वर्टिकल वर्जन भी बना दिया। आप चाहो तो ये भी शेयर कर सकते हो ऑटोमेटिक वर्जन यहाँ पे आने के बाद, बट अभी हम इसको नहीं देखते। अब आ जाते हैं हम जो हमने इसका जो एक्सपोर्ट की थी वीडियो वो इसको देख लेते हैं। विंटर ऑटम, सो होपफुली इट्स क्लियर नाउ कि किस तरह की आपने वीडियो बनाई है। अदर देन दैट अब हम क्या करना है, कुछ चीज़ें मैं आपको और भी समझा देता हूँ इसी क्लास के अंदर वो जो इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रीव्यू विंडो है ना इसकी भी बड़े चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप यहाँ से आ सकते हो और इसकी हम कर सकते हैं प्रीव्यू क्वालिटी। यस, प्रीव्यू क्वालिटी यहाँ पे आपके पास पूछ रहा है परफॉर्मेंस प्रायोरिटी या क्वालिटी प्रायोरिटी, यानी कि जो प्रीव्यू आ रहा है इसमें आप चाहते हैं कि बेहतरीन क्वालिटी दिखे जो एक्चुअल वीडियो की होगी, या क्विक चले अटके नहीं वीडियो, क्योंकि आपका कंप्यूटर का स्लो है तो वो अटकेगी तो हैंग करेगी स्टक करेगी। तो वो चीज़ जो है ना आपने देखनी है कि क्वालिटी देखनी है या परफॉर्मेंस क्विक चले। तो दूसरा आपके पास यस इसके अंदर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेशो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका आउटपुट है उसका साइज़ क्या होगा। एक स्टैंडर्ड साइज में आपको लिख के बता रहा हूँ 1920x1080, ठीक है 16:9 के अंदर 1920x1080 ये जो स्वगत है ये एक्चुअल वीडियो का साइज़ होता है YouTube की। 90% आपको जो वीडियो बनानी है अगर YouTube के क्लाइंट के लिए तो आपने ये रखना है 9192010080, लेकिन आप चेंज भी कर सकते हो। आपको रील बनानी है तो यहाँ पे कुछ और साइज़ रखना होगा आउटपुट का, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। फॉर एग्जांपल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे प्री डिफाइंड देता है कि हमारी जो रील होती है ना वो 9:16 होती है। तो अब देखो ये रील की फॉर्म में आई है और रील की फॉर्म में हमारे पास ये वीडियो छोटी आई थी, तो ये भी आपने कंसिडर करना है। फिर आपके पास यहाँ से और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे ये स्क्वायर आ गई इंस्टाग्राम या अदर फेसबुक एड्स के लिए, और बाकी आपके पास 16:9 अगर कर देंगे तो वापसी आपकी जो मेन एक्चुअल वीडियो है यूट्यूब वो हो गई। तो यहाँ से आप पहले सेट करके फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो डेट्स इट, दैट्स इट फॉर कंप्लीट कैपकट ट्यूटोरियल। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आइडिया हो जाएगा कैपकट पर वीडियो को एडिट कैसे करना है। नाउ इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, तो पहली चीज़ तो ये कि आपने साथ साथ इसको परफॉर्म करना है, जो वीडियो बनवाई है एटलीस्ट आपने ये बनानी है इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न, ठीक है पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो फाइल्स मैंने यूज़ किए ये चाहिए हैं अगर आपको, या ये वीडियो आपने बनाई है और शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप नीचे ग्रुप के अंदर कोई क्वेश्चन है तो नीचे फेसबुक ग्रुप का लिंक है वहाँ से आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा यस इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके पास इसके साथ मजीद प्रोजेक्ट फाइल्स मिलेंगी तो आप फर्दर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और बाकी ये कि जो ऑप्शन मैंने बताए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको टेक्स्ट में आपको सिर्फ डिफॉल्ट टेक्स्ट बना के दिखाया और मैंने आपको इफेक्ट थोड़े से दिखाए थे लगा के हमने एक हाथ, ये थोड़ी चीज़ें आपने खुद एक्सप्लोर करके देखनी है तो आपको खुद ही आइडिया होता जाएगा। और अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आफ्टर टेकिंग दिस क्लास ओनली, जो हार्डली 20-25 मिनट की होगी क्लास आपकी, ये क्लास इनफ है टू गिव यू द आइडिया, दिस इज़ द कम्प्लीट कोर्स एक्चुअली। अब आपने आगे जो करना है ना वो किसी कोर्स से किसी वीडियो से नहीं करना, आपने खुद करना है, खुद आपने वीडियोज़ बनानी है। तो एटलीस्ट अब आपने 10-15 वीडियोज़ डिफरेंट तरह की बनानी है, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट की वीडियोज़ बनानी है। जब आप वो बना लेंगे तो आपको खुद ही आ जाएगी एडिटिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपने। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो, दिस शाफाद अहमद। इस तरह की मजीद वीडियोज़ हैं चाहते हैं जो कैपकट की स्पेशली मैं एडवांस फीचर्स या स्पेसिफिक फीचर्स ग्रीन स्क्रीन ट्रैकिंग और ये सब चीज़ों की बनाऊंगा, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून, टिल देन अल्लाह हाफिज़।